हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कोटेचा आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ राग भूपाली के आलाप लेकर। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक नंबर के आलाप आपके सामने फ्लूट पे बजाकर और उसकी नोटेशन गाकर आपके सामने रखता हूँ, ताकि अगर आप चाहें तो आप इसकी कॉपी करके एक बढ़िया सा आलाप भूपाली का अपने घर पे या अपने किसी दोस्त के सामने बजा सकें। तो ये आलाप बजाने के लिए मैंने फ्लूट लिया है जी शार्प, यानी काली चा। जी शार्प की बेस फ्लूट है, कोई ताल के कोई बीट के बगैर हम ये आलाप अभी बजा रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आलाप बजाने के 12 नियम बनाकर उसका एक ट्यूटोरियल आपके सामने रखा था, आपने शायद देखा होगा, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। तो ये नियम को हम ध्यान में रखते हुए ये आलाप अभी हम बजाने जा रहे हैं, देखते हैं वन बाय वन। मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूं कि जो पहला सा है वो खटका है, खटके के साथ सा कैसे बजाते हैं। दूसरा जो ध है वो मींड के साथ है, सा और ध के बीच में जो मींड लगाई है। के बाद जो धा लिया, ध लिया है, वो सा के कर्ण स्वर से लिया है, सा का स्पर स्वर पर ध सा। तो उसको बजाएंगे कैसे, प स र सा।
यहाँ रे को ग के कर्ण स्वर से लिया है। सा ग रे ग रे सा ग रे सा रे सा ग सा ग प सा रे द द सा। अब चार नंबर का लंका
नेक्स्ट नौ नंबर स्पीड में गाना बजाना है सारे गरे गरे सारे गप गरे सारे गप दब गरे सारे गप दब दब गरे सारे गप दब सारे दब दब गरे सारे गप दब सारे गरे दब दब गरे सारा पदे सारे ग परे परे सा। अब थोड़ा सा जोड़ का आलाप भी देख लेते हैं बीट के साथ। Da 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 sa 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 sa
कुछ अलंकार मैंने आपके सामने रखे हैं, इसको आप चाहे जितना एक्सपांड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के स्वर समूह का उपयोग करके, अलग अलग तरह के अलंकारिक स्वरों का उपयोग करके आप इसको आधा घंटा एक घंटा तक बजा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे दो चार रागों के इस तरह के आला लिख कर और गाकर बजा कर आपके सामने रखूँगा, ताकि अगर आप चाहें तो घर पर प्रैक्टिस कर सकें। मैं मानता हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये आलाप आप ज़रूर इसमें देख देख कर बजाना, आपको अवश्य अच्छा लगेगा। और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और आपके सजेशंस भी अवश्य देना, कमेंट्स भी देना। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।